भारतीय सेना को दुनिया के टॉप 5 सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल किया जाता है। अमेरिका और चीन के बाद इंडियन आर्मी का नंबर आता है। भारतीय सेना यूं तो कई तरह के हथियारों से लैस है, लेकिन आज हम आपको सेना के उन 5 बंदूकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है। नंबर 1, इंसास राइफल। इस राइफल को AK-47 के तर्ज पर बनाया गया था। इंसास यानी कि इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, और इसे भारत में ही तैयार किया जाता है। इस राइफल का उत्पादन 1994 में पहली बार हुआ था और 1999 के कारगिल वॉर में इसका जमकर प्रयोग हुआ। नंबर 2, पिस्टल ऑटो 9mm। इस हथियार को सेना में जमकर प्रयोग किया जाता है। जम्मू कश्मीर में कोई एनकाउंटर हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में कोई ऑपरेशन, ये सेना का अहम हथियार है। यह एक सेमी ऑटोमेटिक और सेल्फ लोडिंग पिस्टल है। इसमें 9x19mm का बुलेट का प्रयोग किया जाता है। एक बार में ये पिस्टल 13 राउंड बुलेट को फायर कर सकती है। नंबर 3, विध्वंसक एंटी मटेरियल राइफल। इस राइफल का वजन 25 kg और लंबाई 1.7 मीटर होता है। इसे साल 2005 से तैयार किया जा रहा है। नंबर 4, ड्रेगनेव SVT-59 स्नाइपर राइफल। यह एक मानक स्नाइपर राइफल है। इसका इस्तेमाल खतरनाक दुश्मनों को निपटाने में किया जाता है। इस राइफल को पहली बार शीत युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इस राइफल में 10 राउंड की मैगजीन लगती है और यह 800 से 900 मीटर के दायरे में दुश्मनों को निशाना बनाती है। नंबर 5, IMI गैलीली 7.62 स्नाइपर राइफल। यह गैलीली इसराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित बंदूक है। इसे टैक्टिल सपोर्ट राइफल कैटेगरी का हथियार माना जाता है और इस गन का इस्तेमाल 25 देशों से अधिक की आर्मी में किया जाता है। खासकर भारतीय आर्मी में इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, और इसी तरह वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।